अभी पिछले हफ्ते में ही एक विनोद साहनी नाम का एक युवक है, 22 साल का युवक है, वो गायब हुआ था और उसके संबंध में जांच शुरू की गई थी। उसमें जो नदी है ये पता चला था कि ये दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। दोस्त पहले गए थे, ये बाद में गया था। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो कुछ जगहों पे ब्लड के निशान भी पाए गए। इसके ऊपर आगे मुकदमा दर्ज हुआ 302 का अज्ञात में, और इसकी बॉडी अगले दिन कोपागंज में नदी के पास में मिली। पोस्टमार्टम कराया गया तो ये पाया गया कि उसके सिर पे जाहिरा चोट थी और उसके बाद उसकी डूबने से मृत्यु हुई। तो इस पूरे प्रकरण को, जो मर्डर का केस था, इसमें स्वाट टीम को और थाने की पुलिस को लगाया था, जिसमें उन्होंने आज एक अभियुक्त नगीना साहनी को पकड़ा है, जो कि इससे पूर्व से इससे संबंध रखता था, इसका दोस्त भी था पूर्व में। और ये इसने पूछताछ में बताया कि जो मृतक है विनोद, इसका जो अभियुक्त है उसके घर परिवार में किसी के साथ अफेयर था और उस अफेयर को लेकर अभियुक्त ने उसको कई बार रोका था कि तुम हमारे घर में ऐसे संबंध ना बनाओ जिससे कि हमारी दोस्ती ख़राब हो जाए। बार बार कहने के बाद भी जो मृतक है उसके द्वारा जो उसके संबंध थे उनसे वो हटा नहीं, और इसी बात को लेके जो अभियुक्त है उसके मन में उसके प्रति क्रोध था। एक जगह छुप कर ये जब आया, अकेला था, तो उसके सिर पे रॉड से वार किया और रॉड से वार करने के बाद में उसकी बॉडी को उसने नहर में, नदी में छोड़ दिया, जो कि अगले दिन हम लोग को कोपागंज में मिली। तो इसमें नगीना साहनी को गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने जुर्म से पूरे तरीके से इकबाल भी किया है, और जो रॉड उसने इस्तेमाल किया था इस पूरे घटना में उस व्यक्ति को मारने के लिए, विनोद को मारने के लिए, वो भी उसके निशानदेही पर बरामद हुआ है।